हेलो एवरीवन, आईएसपी यादव वेलकम यू ऑल एट आईएएस मास्टर्स गीत कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, इन मास्टर कंसेप्ट सीरीज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो परसेंटेज की, तो मैंने मल्टीप्लायर अप्रोच डिस्कस किया था, उसी को मैं एक स्टेप आगे आज ले चलूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को आसानी से क्रैक करूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल्स। कॉस्ट प्राइस जो कि वैल्यू कंपेयर होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में जब तक कि मेंशन ना किया जाए, हम हमेशा वैल्यू कंपेयर्ड कॉस्ट प्राइस को लेते हैं। मतलब जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो कंपेयर किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? प्राइस एट विच वी बाय एनीथिंग, जिस प्राइस पे हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं। लाइक ये मार्कर मैंने स्टूडेंट्स 2000 का परचेज किया शॉपकीपर से, तो मेरे लिए 2000 जो हुआ वो कॉस्ट प्राइस हुई, शॉपकीपर के लिए ये सेलिंग प्राइस हुई 2000। करेक्ट। तो अब जो खरीदेगा उसके लिए देखा जाएगा, शॉपकीपर के लिए वही 2000 सेलिंग प्राइस है, मेरे लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। सो सीपी, वेल नोन एज सीपी, प्राइस एट विच वी बाय एनीथिंग। सिमिलरली सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच वी सेल एनीथिंग, एसपी, इसको क्या बोला जाता है? जिस प्राइस पे हम लोग कुछ सेल करते हैं उसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, गेन ऑब्लिक लॉस, डिफरेंस बिटवीन द एसपी एंड सीपी, इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव इट इज कॉल्ड गेन, एंड इफ इट इज नेगेटिव इट इज कॉल्ड एज लॉस। प्रॉफिट दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव प्रॉफिट होता है, एक नेगेटिव प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट पॉजिटिव है मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट नेगेटिव है इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। अच्छा, मार्क्ड प्राइस क्या होता है स्टूडेंट? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज डिस्प्लेड ऑन द लेबल, लेबल्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, ये सब क्या है? एमपी है, मार्क्ड प्राइस है। तो ये रहा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जरा हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा? वैल्यू कंपेयर क्या होता है? सीपी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, दैट इज गेन परसेंट। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। और यही अगर आपको स्टूडेंट निकालना हो, एसपी निकालना हो, ठीक है, और मान लो पी परसेंट का गेन हो रहा है, 100 प्लस पी परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ये हमें क्या मिल जाएगा? एसपी। और अगर आपको स्टूडेंट एसपी निकालना है कब? जब लॉस हो रहा है। मान लो एल परसेंट का लॉस हुआ, 100 माइनस एल परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। आई बात समझ में? इसे आप कुछ भी मत याद करो, हमें इनकी कुछ भी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत आसान है कि जब गेन हो रहा होगा मतलब एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय सीपी कर देंगे। और अगर एसपी लेस देन सीपी होगा, आई बात समझ में, तब भी डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? सीपी कर देंगे। सीपी वैल्यू कंपेयर्ड होती है। हम मल्टीप्लायर अप्रोच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लायर अप्रोच, प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग मल्टीप्लायर अप्रोच। देखिए कैसे स्टूडेंट, अगर मैं कहूं एसपी इक्वल टू सीपी, यहां सीपी का मल्टीप्लायर कितना है? 1। यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो गेन नो लॉस। आई बात समझ में? नो गेन नो लॉस। लेकिन अगर हमने निकाला एसपी इक्वल टू 1.1 सीपी आया,
इसका मतलब 10% गेन। ये कैसे हुआ? हमारी जो एसपी है सीपी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1 पे 0.1 ज्यादा है, तो 100 पे कितना ज्यादा होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लायर अगर यहां 1 होता तो एसपीसीपी इक्वल होते, नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन 0.1 ज्यादा है। कितने पे स्टूडेंट? 0.1 मोर ऑन 1, सो 0.1 × 100 मोर ऑन 100, ये कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 10%। करेक्ट, तभी तो बोल रहे हैं 10% का गेन हो रहा है यहां पे। ठीक, ऐसे ही एसपी इक्वल टू 1.2 सीपी आ गया, इसका मतलब 20% गेन। करेक्ट, अभी स्टूडेंट्स एसपी इक्वल टू 0.8 सीपी, इसका मतलब 20% लॉस। आई बात समझ में? अब मान लीजिए मैं बोलता हूं 16 and 2/3% गेन, ठीक है? इसका एसपी और सीपी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 16 and 2/3% का क्या हो रहा है? गेन। एसपी इक्वल टू सीपी मेरा 100% है, इसी पे कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 16 and 2/3%, 16 and 2/3%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50/3%, इतने परसेंट का गेन हो रहा है। आई बात समझ में? सर सीपी मेरा 100% है, सीपी क्या है? 100% है, करेक्ट। प्लस कितना परसेंट और मिल गया? 50/3%, ये निकाल लूं तो ये मेरा एसपी मिल गया। एसपी इक्वल टू 100% प्लस 50/3%, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एसपी दैट इज इक्वल टू 350/300 × CP इक्वल टू स्टूडेंट 7 CP/6। देखो कितना आसान है निकालना। अच्छा, यही बात अगर कहता 16 and 2/3% लॉस, भाई ऐसा लिखा होगा तो इसे कंक्लूड कर लेंगे, ऐसा बोलेगा तो ये इक्वेशन लिख लेंगे, एसपी इक्वल टू सीपी मेरा 100% है, उस 100% में कितना लॉस हो गया? 16 and 2/3% मतलब 50/3%। अब क्वांटिटी बची कितना? इतना परसेंट, दैट इज माय एसपी, सीपी से भी कम हो गई एसपी, मल्टीप्लायर कम हो गया। 300 − 50 = 250 / 300 सीपी 0 0 गॉन कैंसल्ड, 5/6 सीपी। एसपी और सीपी के इक्वेशन से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ट्राई किए जाए। लेट्स वी ट्राई सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, क्या कह रहा है? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 24 पीसेस की जो एसपी है, एक पीस की सेलिंग प्राइस अगर एसपी है तो 24 की सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी? 24 एसपी इज इक्वल टू
30 CP, करेक्ट। अच्छा SP को फ्री कर दो पूरी तरह से, 30 / 24 CP, मल्टीप्लायर कितना आ गया, 5/4 CP। इसे जरा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितना प्रॉफिट होगा, 1 पे 0.25 का, तो 100 पे 25% प्रॉफिट, 25% गेन। ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। सो स्टूडेंट आंसर इज 25% गेन, डन। वन मोर क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लूं कहीं गलत तो नहीं है। 30 by 24, 30 divided by 24, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन, देखो कैसे बच्चा कंफ्यूज होता है। क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। अगर मैं स्टूडेंट सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। गेन क्या होता है, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यही तो गेन होता है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूं स्टूडेंट, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस गेन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस में अगर गेन ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल करता हूं, कॉस्ट प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन गेन क्या हो जाता है, इफ सेलिंग प्राइस डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, 3 times ऑफ गेन। और गेन की वैल्यू कितना है, 3 × SP - CP। ये इक्वेशन पूरी तरह से एसपी और सीपी में आ गया। जब भी इक्वेशन मेरे पास एसपी और सीपी में आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे, यहां पे मिल गया 2SP 3SP, बचा कितना, एसपी सीपी माइनस 3CP 2CP 2CP, करेक्ट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, मल्टीप्लायर 1 से कितना ज्यादा है, 1 पे 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे 100 का प्रॉफिट, तो सीपी पे सीपी का प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट हो रहा है, 100% गेन। आई बात समझ में, 100% गेन, ऑप्शन इज करेक्ट। आप सोच रहे होंगे सर 200% प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, नो माय डियर, सीपी तो आपका खर्चा है, सीपी में खरीद के लाए हो, टोटल सेलिंग कितने की हुई, 2 CP की, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सीपी का, सीपी पे सीपी का प्रॉफिट, 1 पे 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे 100 का प्रॉफिट, करेक्ट। और देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एन इज, बहुत आसान है, क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल 15 CP इक्वल टू इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स, एन एसपी एसपी इक्वल टू 15 / n CP, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे कहता है इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का, तो एसपी इक्वल टू 1.25 CP होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो 25% का प्रॉफिट, तो दिस इज माय 100%, इंक्रीज इट बाय 25%, दैट इज योर सेलिंग प्राइस 1.25 ऑफ CP, करेक्ट। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, जब ये दोनों सेम ट्रांसैक्शन के लिए लिखे गए हैं तो दोनों का मल्टीप्लायर इक्वल होना चाहिए। सो
15 by n equal to 1.25. This implies that n equal to 15 whole divided by 1.25. कितना आ जाएगा? 15 divided by 1.25, 12. Answer is B. डन. इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी नहीं फंसने चाहिए. बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रूपीज 60 अ मैन लूजेस 25%. अगर एक आदमी 12 ऑरेंज फॉर रूपीज 60 में सेल करता है, 25% का लॉस होता है. द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रूपीज 100 सो हैज टू गेन 25%. 100 रुपए में कितने ऑरेंज सेल करे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए. लेट ही हैज टू सेल 10 oranges for rupees 100 to make 25% gain. ये मैंने मान लिया, करेक्ट. अच्छा अभी से छोड़ दो, ये बताओ स्टूडेंट इस टाइम सेलिंग प्राइस क्या थी. बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रूपीज 60 कितने का लॉस हो रहा था? 25% का. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एसपी इक्वल टू 0.75 सीपी. कब? जब एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 60 डिवाइड बाय 12, 5 इक्वल टू 0.75 सीपी. ठीक है, 25% लॉस ऐसा लिख सकते हैं. मुझे यहां से स्टूडेंट सीपी मिल गई, सीपी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.75. मैं सिंप्लीफाई नहीं करता, ऐसे रहने दो. अब आपको गेन करना है. एसपी इक्वल टू 1.25 सीपी, 25% गेन. क्या करना है? 25% गेन ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अभी एसपी हमने कितना माना है? हमने माना है कि 100 रुपए में एन ऑरेंज, तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 1.25 ऑफ सीपी. सीपी की वैल्यू ले चल के इसमें रख दो, एन निकल जाएगा. सीपी तो चेंज नहीं होगा ना दोस्त. 100 डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 1.25 इंटू सीपी. सीपी कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 0.75. डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया. 100 बाय एन इक्वल टू 125 इंटू 5 इक्वल डिवाइडेड बाय 75. ठीक है, तो ये हो गया पच्चीस चार 12, एन इक्वल टू 12. ठीक है, 5 इंटू 5 25 से इसको डिवाइड किया, 4 इंटू 3 12. आंसर आ गया 12. आंसर इज सी. कुछ पल्ले पड़ा. ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 20%. Price of rice falls by 20%. How much rice can be bought now
with the money that was sufficient to buy 20 kg of rice previously. पहले हम लोग स्टूडेंट 20 kg जितने में परचेज करते थे उतने ही मनी में अब कितना खरीद लेंगे अगर प्राइस 20% कम हो जाए. मान लेते हैं लेट इनिशियल कॉस्ट पर केजी इक्वल टू सी. ठीक है, लेट इनिशियल कॉस्ट पर केजी इक्वल टू सी. कंज्यूम्पशन कितना हो गया? कंज्यूम्पशन 20 केजी, इनिशियल कंज्यूम्पशन. ठीक है, सो बजट कितना है? 20 सी. इतनी रुपीज में 20 सी रुपीज में 20 kg राइस परचेज करता था. ठीक है, अभी स्टूडेंट इसका मतलब बजट कांस्टेंट है. इतना बजट पहले भी था, इतना ही बजट बाद में भी है. ठीक है, पहले 20 kg पर केजी कॉस्ट सी थी, इतना बजट लगाया. अब स्टूडेंट कॉस्ट जो हो गई कितना कम हो गई, 20% कम हो गई, तो 0.8 सी कॉस्ट हो गई, तो कंज्यूम्पशन कितना हो जाएगा? मान लेते हैं K2. आई बात समझ में? कंज्यूम्पशन इंटू कॉस्ट, कंज्यूम्पशन इंटू कॉस्ट, दोनों क्या होना चाहिए? बजट के बराबर. इनिशियल बजट फाइनल बजट बराबर होना चाहिए. K2 निकल गया, सी वन कैंसिल, 20 को 0.8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 20 divided by 0.8, 25 kg. अब कंज्यूम्पशन कितना हो जाएगा? 25 kg. आंसर इज सी. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट. Instead of a meter scale, a shopkeeper uses 120 centimeter scale. Instead of meter scale, 100 centimeter की scale की जगह खरीदते वक्त जो shopkeeper है वो बहुत बड़ा cheater है. वो जब जाता है परचेज करने, कोई जिस भी क्वांटिटी की उसकी शॉप है उसको जब परचेज करने जाता है तो 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लगाता है खरीदते वक्त. इंस्टेड ऑफ मीटर स्केल अ शॉपकीपर यूजेस 120 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल बाइंग बट यूजेस एन 80 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल सेलिंग द सेम क्लोथ. उसी कपड़े को जिसको उसने खरीदा, खरीदते वक्त 120 सेंटीमीटर की स्केल लगाई, जब जो भी चीटिंग वीटिंग करके खरीद के ले आया, अब जब सेल कर रहा है तो जो कपड़ा 100 सेंटीमीटर देना चाहिए उसको दे कितना रहा है? 80 सेंटीमीटर. ठीक है, वाइल सेलिंग द सेम क्लोथ इफ ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 20%. ठीक है, ऑन कैश पेमेंट व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट? ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? अभी स्टूडेंट देखो, इसको मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं. कैसे? मान लिया जिस भी कपड़े को उसने खरीदा, ठीक है, कितने का था? ₹1 का था. कितने का था? ₹1 का था. उसने चीटिंग से प्रॉफिट कमाया. चीटिंग से उसने क्या किया स्टूडेंट? कपड़ा 100 सेंटीमीटर का था, उसको 120 सेंटीमीटर बना लिया, मतलब मल्टीप्लायर 120 बाय 100 हो गया. सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट ले लिया उसने. कहां से? मेजरमेंट से. एंड सक्सेसिव प्रॉफिट होगा क्योंकि कपड़ा सेम है. अब देते वक्त वो क्या कर रहा है? 80 को 100 बना ले रहा है. दे कितना रहा है? 80. बता कितना रहा है? 100. हर 80 पे 20 की चीटिंग कर रहा है, मतलब 80 को 100 बना रहा है, मतलब
एक सक्सेसिव प्रॉफिट ये और आ गया, एक काम और कर रहा है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो डिस्काउंट देते वक्त 100 को कितना बना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट 100 को 80 बना दे रहा है। जो क्वांटिटी स्टूडेंट पहले 1 थी, जरा देखो अब फाइनली कितना हो गई, 100 गॉन कैंसल्ड विथ 100, 80 गॉन कैंसल्ड विथ 80, ठीक है, ओवरऑल मल्टीप्लायर हो गया 1.2 का, ठीक है। सो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया, 20% का। एक बार फिर से समझिए, बहुत ही प्यारा अप्रोच है मल्टीप्लायर अप्रोच। स्टूडेंट मैंने मान लिया प्रिंटिंग कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस कपड़े की ₹1 थी, करेक्ट। खरीदते वक्त बंदे ने क्या किया, 100 सेंटीमीटर स्केल बोला कि ये 100 सेंटीमीटर की स्केल है, लेकिन वो स्केल एक्चुअल में कितनी थी, 120 की। तो मतलब 100 सेंटीमीटर को 120 सेंटीमीटर बना लिया उसने, करेक्ट। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 120 बाई 100 का, 1.2 का सक्सेसिव प्रॉफिट। जो कपड़ा आप खरीद के आ गया उसे भी बेचेगा। देते वक्त क्या कर रहा है, 100 सेंटीमीटर स्केल की जगह 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है, तो इसका मतलब 80 को 100 बना ले रहा है, चीटिंग कर रहा है, कम दे रहा है 20 सेंटीमीटर, हर 80 पे उसको 20 का प्रॉफिट हो रहा है, यहां हर 100 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन एक डिस्काउंट भी देता है 20%, तो 100 को 80 बना दे रहा, ओवरऑल मल्टीप्लायर 1.2 हो गया। तो ओवरऑल गेन कितने का हुआ, 20% का। आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट, डन। अभी देखिए, अ मर्चेंट वांट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट, ये सीसैट में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीसैट जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है आईएएस के लिए, उसमें सीसैट का जो पेपर होता है उसमें एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अ मर्चेंट वांट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल्स, दस द परसेंटेज ही शुड एड टू द कॉस्ट प्राइस विल बी। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? अ मर्चेंट वांट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल्स, मतलब सेलिंग प्राइस का 20% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। इसका कहने का मतलब है, अगर सेलिंग प्राइस का 20% हमको प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? हम मान लेते हैं, लेट एसपी इक्वल टू 100, ठीक है। अब मर्चेंट वांट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट, तो गेन कितना हो जाएगा, गेन इक्वल टू 20% ऑफ 100, क्योंकि एसपी का 20% उसको गेन चाहिए, 20 गेन, टोटल सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो टोटल गेन कितना हो जाएगा, 20। स्टूडेंट सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस गेन इक्वल टू 80। हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, एसपी बाई सीपी निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 बाई 80, ठीक है, इक्वल टू 1.25। अगर ऐसा कहीं आ जाए 1.25 ऑफ सीपी, इसका मतलब क्या हुआ, 25% गेन, करेक्ट। मतलब सेलिंग प्राइस का 20% गेन इक्विवेलेंट टू 25% ऑन कॉस्ट प्राइस गेन, एक ही बात हुई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट माय डियर, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड
कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।